Next example, what is the output of given problems? In that case, first one, we are declaring two variables A and B in the form of stacks as a local variables. Third case, A is initialized by initial value kya tha previous case mein? Value of A is garbage, value of B is also garbage. Next one, A is initialized by 10, B also initialized by 10. Is sabse pehle 10 kis mein assign hua B mein? Next time B ka value kis mein assign hua A mein? Isliye dono hi variables ka ek saath value kya show raha hai as a 10. Next one, while case, third, fourth sequence, while condition testing. While condition mein directly supply kiya value of A. Is case mein conditions mein provide karan like a less than equals to 12 up to 12. In that case, value of A is 10. To A ke place par every time kya replace karan value of A. Current case mein A ka value 10, so isliye supply karan 10. 10 ke according ye condition consider as a true. True then control send karan inside body of loop. फोर्थ के बाद क्या है फिफ्थ केस में परफॉर्म क्या करेंगे कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जस्ट असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या होगा पहले सबसेट परफॉर्म ऑल प्री ऑपरेशंस देन असाइनमेंट देन पोस्ट लेकिन इस केस में एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे इनिशियलाइजेशन रूल मींस जनरली असाइनमेंट रूल ही रहेगा असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या था परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट दैट वन इस केस में अगर बात करें आप असाइनमेंट रूल से अप्लाई करो इनिशियलाइजेशन रूल दोनों केस में रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएंगे फिर भी इस केस में अप्लाई करो असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है प्री इस केस में है नहीं इसलिए इस पार्ट को छोड़ सकते हो लीव इट देन क्या है नेक्स्ट केस क्या है असाइनमेंट ए में रिप्लेस करेंगे तो ए के बी प्लस प्लस के प्लेस पर क्या आएगा बी का वैल्यू विच इज टेन बी प्लस प्लस के प्लेस पर क्या रहा है value of b which is 10 less than equals to 12 condition is true then iska result kya aayega 1 is assigned to the variable a now value of a becomes 1 assignment bhi ho chuka hai then post increment apply karein b ke form mein to b ka value kya ho jayega is case mein 11 next one means ise expression ke execute hone ke just baad a ka value kya aayega 1 b ka value 11 iske just baad sixth case kya displaying value of ab aur a aur b ke case mein display kya hoga value of a is 1 value of b is 11 like that next one sixth or seventh case kya control constant hoga inside aur on the while condition again condition test hoga 6 7 देन ए के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे ए का करंट वैल्यू ए का वैल्यू क्या है 1 मींस नॉन जीरो कंडीशन अगेन ट्रू देन कंट्रोल कांस्टेंट करें इनसाइड बॉडी ऑफ लूप 8th अगेन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन बी प्लस प्लस अगेन सेम रूल अप्लाई करें परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट प्री इस केस में है ही नहीं देन डायरेक्टली असाइनमेंट असाइन क्या कराएंगे ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस के प्लेस पर बी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे एज आ 11 लेस देन इक्वल्स टू 12 कंडीशन इज ट्रू है इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 इज असाइन टू द वेरिएबल ए अगेन ए का नेक्स्ट टाइम फिर से वैल्यू क्या होगा 1 असाइनमेंट के बाद अप्लाई किया होगा पोस्ट इसलिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली 12 देन आफ्टर दैट एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद ए और बी का वैल्यू अगेन क्या शो रहा है 1 और 12 नेक्स्ट टाइम नाइन्थ केस में चांस प्रोवाइड करें टू द प्रिंट एफ स्टेटमेंट प्रिंट एफ के थ्रू ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे ए का वैल्यू क्या है 1 बी का वैल्यू क्या है 12 नेक्स्ट टाइम आउटपुट डिस्प्ले होगा 1 एंड 12 नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल सेंड करेंगे ऑन द कंडीशन टेस्टिंग 10th केस कंडीशन के केस में अगेन ए के प्लेस पर ए का वैल्यू रिप्लेस करेंगे और अभी भी ए का वैल्यू क्या शो रहा है ऑल्सो 1 देयरफॉर कंडीशन इज ट्रू नेक्स्ट वन फिर से के पास हो 1 कंडीशन इज ट्रू अगेन कंडीशन फिर से एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बी प्लस प्लस के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ बी विच इज 12 लेस देन इक्वल्स टू 12 कंडीशन इज ट्रू है देन अगेन रिजल्ट क्या आएगा 1 इज असाइन टू द वेरिएबल ए देन नेक्स्ट टाइम फिर से ए का वैल्यू क्या हो रहा है 1 लेकिन असाइनमेंट के जस्ट बाद जब पोस्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे पोस्ट 1 टाइम फिर से पोस्ट होगा तो बी में इंक्रीमेंट होगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 After solving this expressions, 11th case, then A और B का value क्या सोरा 1 and 13, 11 का next 12 case क्या है? Displaying value of A and B, A का value क्या सोरा 1, B का value क्या है? 13, 1 and 13, again,
नेक्स्ट टाइम कंट्रोल सेंड करेंगे कंडीशन टेस्टिंग 13 केस 12 देन 13 कंडीशन टेस्टिंग में फिर से नेक्स्ट टाइम ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे रिसेंटली प्रीवियस केस में ए का वैल्यू क्या है 1 इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर से ए के प्लेस पर रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ ए इज 1 अगेन कंडीशन इज ट्रू कंडीशन टू है फिर से परफॉर्म क्या होगा सेम एक्सप्रेशंस बी प्लस प्लस पोस्ट बी का वैल्यू क्या 13 लेस देन इक्वल्स टू 12 कंडीशन बिकम फॉल्स फॉल्स मीन्स 0 0 इज असाइन टू द वेरिएबल ए नेक्स्ट टाइम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 0 इसके अलावा बी में जब पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करें तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 मीन्स इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के जस्ट बाद 11th केस में 13 देन 14 14th टाइम जब सेम ऑपरेशन अगेन परफॉर्म हो तो ए का वैल्यू क्या है 0 और बी का वैल्यू क्या है 14 नेक्स्ट टाइम कंट्रोल सेंड करें टू द व्हाइल कंडीशन व्हाइल के केस में ए के प्लेस पर क्या पास करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज 0 फाइनली ए का वैल्यू क्या चुका 0 और 0 मींस फॉल्स फॉल्स है देन कंट्रोल सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स 13 देन 14th केस 14th केस में जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप को चांस मिलेगा प्रिंट एप के अंदर डिस्प्ले क्या करा ए प्लस 10 ए का वैल्यू क्या 0 0 प्लस 10 इज रिजल्ट इज 10 इसलिए इस प्लेस पर फाइनल रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ 10 इन प्लेस ऑफ फर्स्ट परसेंटी सेकेंड परसेंटी में बी के प्लेस पर क्या आएगा 13 सॉरी बी का वैल्यू क्या है 14 14 प्लस 10 इज 24 इसलिए रिजल्ट क्या आएगा 10 एंड 24 दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम